नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकारी उदासीनता से त्रस्त जेमको और गोविंदपुर के लोगों ने खुद किया श्रमदान। खरगई नदी में बच्चों समेत छलांग लगाने वाली महिला पर मामला दर्ज। कंपनी सचिव और कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों ने श्रम कानून और कंपनी एक्ट पर बदलाव पर की चर्चा। महालया के साथ दुर्गोत्सव का आगाज, बागबेड़ा का वातानुकूलित पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। और लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई क्षेत्रों में जल जमाव। अब खबरें विस्तार से। जेमको, गोविंदपुर आदिवासियों के लोगों ने सरकार से उम्मीदें छोड़कर इस त्योहार के मौसम में साफ सफाई का बीड़ा खुद ही उठाने का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों के लोगों ने सरकारी उदासीनता को देखते हुए हाथों में झाड़ू बेलचा आदि उठाते हुए खुद ही साफ सफाई और सड़क मरम्मती का बीड़ा उठा लिया है। इस क्षेत्र में कई प्लांट होने की वजह से दिन भर बड़ी छोटी गाड़ियों की आवाजाही होती रहती है और सड़क की दुर्दशा की वजह से छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की, मगर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इसी वजह लोगों ने खुद श्रमदान का निर्णय लिया। ये ट्यूब कंपनी से ट्यूब सीमेंट प्लांट जाने वाला रोड है। इस रोड में बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बन गया है और दुर्गा पूजा के मद्देनजर लोग घर से बाहर निकलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, इस रोड में बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ है। खरगई नदी में महिला द्वारा बच्चे के साथ छलांग लगाने की घटना में महिला के परिजनों ने पति पर प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कराया है। उधर दूसरी ओर पुलिस ने धारा 309 और 302 के तहत मामला दर्ज करते हुए महिला पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मालूम हो कि घटना में महिला का 3 वर्षीय पुत्र बह गया था, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। इधर महिला पर मुकदमा के बाद महिला पक्ष का सुर बदल गया है और वे दामाद से समझौता को तैयार है। तत्काल तो पुलिस के बयान पर ऐसे प्रारंभिक की अंकित की गई है और उसका जो बच्चे का डेड बॉडी मिला है उसका अधिकारी गए हुए हैं। उनका सब है सुरक्षित NGM अस्पताल में रखा गया था। पोस्टमार्टम के बाद ऐसे उसके परिजनों को उसके शव को दे दिया जाएगा। बाद में बाकी तथ्य जो आएंगे उस पर अनुसंधान किया जाएगा और जो नए संगत कार्रवाई होगी। कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जमशेदपुर चैप्टर की सेमिनार में कंपनी एक्ट में बदलाव और श्रम कानून में संशोधन पर चर्चा हुई। शनिवार को कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जमशेदपुर चैप्टर के सेमिनार में कॉरपोरेट जगत के जाने माने लोगों ने शिरकत की। सेमिनार में जमशेदपुर के रजिस्ट्रार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। सेमिनार में कॉरपोरेट अफेयर पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों और कंपनी एक्ट और श्रम कानून में बदलाव पर भी चर्चा की गई और जानकारों ने अपना पक्ष रखा। इंडिया की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी झारखंड हमारे चीफ मुख्य अतिथि होंगे और सेमिनार का विषय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा किए गए सुधारों के बारे में, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। शहर में दुर्गोत्सव का आगाज नवरात्र के साथ हो चुका है। शहर में कई स्थानों पर आकर्षक और भव्य पंडालों का निर्माण कराया गया है, जो अपने स्तर से कोई न कोई संदेश श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। इसी कड़ी में बागबेड़ा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के साथ लगभग 35 मीटर ऊंचे भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसे कारीगर अंतिम रूप प्रदान करने में जुटे हैं। इस पंडाल में विभिन्न कलाकृतियां भी की गई हैं, जो श्रद्धालुओं तक अलग अलग संदेश पहुंचा रही हैं। पहली बार वातानुकूलित पंडाल का निर्माण भी किया गया है। करीब 18 लाख की कीमत से इस भव्य और आकर्षक पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इस बार हम लोग पंडाल का हमारा थीम रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जितने भी सामाजिक कुरीतियां होती है, जैसे भ्रूण हत्या या महिलाओं पर अत्याचार, उस पर हम लोग एक संदेश देंगे। जा अरब सागर में उठे हिक्का तूफान का असर लगातार तीसरे दिन भी शहर व आसपास देखने को मिला। यहां लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अरब सागर में उठे हिक्का तूफान की वजह से बने निम्न दबाव के कारण देश के अधिकांश राज्यों में रुक रुक कर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। लोग इसे लौटता मानसून भी कह रहे हैं।
लगातार तीसरे दिन झमाझम बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही शहर की ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खोल कर रख दिया है। शहर के कई स्थानों पर जल जमाव लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शनिवार को शहर के 10 केंद्रों में सुविधा केंद्रों की शुरुआत की गई है। सुविधा केंद्रों में फिलहाल प्याज की कीमत 45 रुपये प्रति किलो रखी गई है और संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि प्याज की आवक बढ़ने तक कम मुनाफा कमाएं। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने आशा जताई है कि बहुत जल्द प्याज के मूल्य सामान्य हो जाएंगे। शनिवार को महालया के दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन था, जहां लोग अपने पितरों की याद में तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान का प्रचलन है। वैसे गया में पिंडदान का रस्म है और यहां पिंडदान से रस्मों की अदायगी होती है, मगर लोग जहां रहते हैं वहीं किसी नदी तट पर पितरों को याद करते हुए तर्पण करते हुए पिंडदान करते हैं। हिंदू रीति रिवाज में पितृपक्ष का अलग ही महत्व होता है और हिंदू धर्मावलंबी इसके रस्मों का पालन गंभीरता से करते हैं। माँ बाप उसका भी पूर्व पुरुष लोगों जो गुजर जाता है, आज का दिन में कहावत है, उन लोगों ने आते हैं सरक से धरती पर और हम लोगों नहा धो करके उसका पानी कुछ तर्पण करते हैं, पानी पिलाता है, बच्चों भी करता है। रांची में आंगनबाड़ी सेविकाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं पर लाठीचार्ज की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, साथ ही दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका नेतृत्व विनीता मिश्रा कर रही थी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रघुवर सरकार, हाय हाय, हाय हाय हाय। जो माए जो आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी मांगों को लेकर सीएम साहब से मिलने गई थी, उनकी मांगों को न सुनकर प्रशासन द्वारा जो उन पर लाठी चार्ज किया गया, यह एक क्रूरतापूर्ण व्यवहार है और यह एक अंग्रेजी जिससे अंग्रेजी शासन क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी, वो आज की ये प्रशासन व्यवस्था भी वही अंग्रेजी शासन को लागू की हुई है। पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है। वे शनिवार को स्थानीय तिलक पुस्तकालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसलिए अभी आपको कुछ डाटा बताएंगे, कुछ बातें रखेंगे, जिससे आपको बड़ा साफ हो जाएगा कि सचमुच में हकीकत क्या है और सरकार क्या बयान दे रही है लोगों के बीच में। आपको अभी 15 सितंबर को ये स्टैटिकल हैंडबुक आरबीआई का रिलीज हुआ। जो स्टैटिकल हैंडबुक रिलीज हुआ 15 सितंबर को, उसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा आरबीआई ने किया और उसमें सबसे बड़ी बात का आरबीआई उपयोग करें। और अभी जो उस हैंडबुक में जो लोगों को हम लोगों को पता चला, उसमें 1.7 लाख करोड़ रुपया आरबीआई से विड्रॉ कर लिया गया और विभिन्न सेक्टरों में इन्वेस्ट कर दिया गया। कदमा स्थित बॉल्डविन फार्मेरिया हाई स्कूल में गांधी जी के 150वीं जयंती के मौके पर अंतर स्कूल भजन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों के 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। अपने बाल्यकाल में एक बार गांधी जी अपने मित्रों के साथ राजा हरिश्चंद्र के जीवन गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया। थिएटर के बाहर आकर मोहन सोचता है, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी,
वाजिब मूल्य, शूटिंग शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं अंडर गारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट एमबी ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहां कहां से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी, डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071, 9031612032। आप
आपके बेटा आपके लाल संजीव आचार्य। पूरा विश्वास है जनता के साथ होगा झारखंड का पूरा विकास। बचाओ नीतीश मॉडल लाओ झारखंड बचाओ। बदला है बिहार अब झारखंड की बारी। रामसेवक सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड की पुकार जदयू की सरकार संजीव आचार्य विधायक अब की बार। झारखंड की पुकार सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन अनुशासन के साथ पठन पाठन में अव्वल, हर वर्ष 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड, वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, नर्सरी से प्लस टू तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित। गायत्री शिक्षा निकेतन के संस्थापक सह चेयरमैन योगेंद्र प्रसाद यादव ने 1993 को मात्र 7 बच्चों के साथ स्कूल की शुरुआत की। उनकी मेहनत, लगन और लोगों के विश्वास से स्कूल पूरे राज्य में अव्वल। गायत्री शिक्षा निकेतन रोड नंबर 4 आदित्यपुर 2 नियर 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल। फोन 06। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। धतकीडी में शनिवार को जमजम रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई। धतकीडी में शनिवार को फैमिली रेस्टोरेंट जमजम की शुरुआत की गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेस्टोरेंट में लजीज व्यंजनों के अलावा बिरयानी बनाने के लिए अलग अलग राज्यों से जाने माने शेफ को आमंत्रित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।